अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट एग कोरमा बनाने की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है आप इसको किसी भी ख़ास मौके पर बना सकते हैं या फिर घर वालों को आप कुछ स्पेशल ट्रीट देना चाहते हैं तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं वाइट एग कोरमा बहुत ही अच्छा बनता है तो चलिए देख लेते हैं ये सुपर डिलीशियस एग कोरमा हम किस तरह बनाते हैं मैंने यहाँ पे दस से बारह अंडे लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरीके से उबाल लिया है और इसका छिलका उतार लिया है यहाँ पर हमें वाइट ग्रेवी बनानी है तो हम वाइट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे जिससे कि टेस्ट बढ़ जाता है हम यहाँ पर 10 से 12 बादाम ले लेंगे जिसका छिलका उतार लेंगे 10 से 15 पीस हम काजू ले लेंगे और चार पाँच पीस हरी मिर्ची ले लेंगे आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं और इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर में दूध डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाले ले लिए हैं एक टेबल स्पून जीरा और एक टेबल स्पून मिर्च चार पांच लौंग और चार छोटी इलायची एक बड़ी इलायची थोड़ा सा जावित्री और दाल चीनी का टुकड़ा यहाँ पर मैंने दो प्याज को बारीक चॉप करके रख लिया है और यहाँ पे मैंने दो टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और जो ड्राई फ्रूट हमने रखे हुए थे उसको मिक्सर में थोड़ा सा दूध डाल कर एक अच्छा पेस्ट बना के तैयार करके साइड में रख देंगे अब हमें अंडे को फ्राई करने के लिए एक बर्तन ले लेना है इसमें मैंने तेल को गरम कर लिया है और हमें इसमें सारे अंडे डाल देना है और अंडे को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है यहाँ पर अंडों को मैंने हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है आप चाहें तो ज़्यादा डार्क कर सकते हैं या हल्का भी फ्राई कर सकते हैं आपकी मर्जी है अब हम इसी तेल को ग्रेवी में भी इस्तेमाल करेंगे और मैंने सारे अंडे को फ्राई करके कर निकाल लिया है यहाँ पर जो हमने साबुत मसाले रखे हैं वो तेल में डाल देंगे और हल्का फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम जो बारीक प्याज काट के रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे और हल्का हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे अंडे का फ्राई किया हुआ जो तेल है इसको हम ग्रेवी बनाने में यूज़ करते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अंडे का करी जैसा ही टेस्ट आता है अगर आप दूसरा तेल यूज़ करेंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है यहाँ पे हमारा प्याज़ गोल्डन ब्राउन हो गया इसमें मैंने जो अदरक लहसन का पेस्ट रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे और हल्का हल्का भून लेंगे यहाँ पर अदरक लहसन हमारा अच्छी तरीके से भून गया है अब यहाँ पर मैंने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको अच्छी तरीके से दो मिनट के लिए हम भून लेंगे यहाँ पर मैंने दो टेबल स्पून के करीब नमक का इस्तेमाल किया है आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको डालकर अच्छी तरीके से चला लेंगे इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कप के करीब फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है वो भी इसमें डालेंगे और लगातार चलाते हुए इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से भूनेंगे लगातार चलाते हुए दो से तीन मिनट तक हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून कसूरी मेथी और एक टेबल स्पून पिसा हुआ मिर्च पाउडर इससे क्या होता है कि वाइट एक कोरमा का टेस्ट बढ़ जाता है और इसको भी डालकर लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से दो से तीन मिनट तक भूनेंगे जब तक कि हमारा इसमें तेल ऊपर ना आ जाए और चलाते हुए डेढ़ दो मिनट तक हमने इसको भून लिया है अब इसमें हम डालेंगे तीन से चार टेबल स्पून फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे आप चाहें तो दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते हुए तीन से चार मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे इसके बाद मैंने इसमें डाला है एक टेबल स्पून के करीब बटर इससे क्या होता है कि वाइट एग कौरमा का टेस्ट बढ़ जाता है इसको भी लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से हम भून लेंगे आप चाहें तो बटर डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं अब यहाँ पे हमें ग्रेवी बनाना है तो हमने ग्रेवी बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया है तो हमारी ग्रेवी थोड़ा सा मोटी लग रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर एक कप के करीब इसमें दूध डाला है और इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम चला लेंगे और हमारी ग्रेवी एकदम अच्छी तैयार हो गई है अब इसको हम ढक के चार से पाँच मिनट तक पका लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने अंडा फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे और लो फ्लेम पे चार से पाँच मिनट तक इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे यहाँ पर ग्रेवी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहे तो मोटी भी रख सकते हैं या फिर दूध डाल के पतला भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पे तीन चार हरा मिर्चा काट के डाल दिया है और हरी धनिया भी इसमें डाल दिया है इससे क्या होता है कि इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है इसको चला लेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से चार से पाँच मिनट तक पका लेंगे और ये हमारा वाइट एक कोरमा बनकर तैयार है आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है ये देखिए इसकी ग्रेवी भी कितना परफेक्ट बनी है आप ये शानदार डिश को ज़रूर बनाएं ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और जो अंडा पसंद करते हैं अंडा करी अंडा कोरमा इनको ये बहुत पसंद आएगा आप इनको रोटी से नान से पराठे से किसी भी चीज़ से सर्व कर सकते हैं ये बहुत ही खाने में अच्छा लगता है उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़